अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग आए हैं सद मीर माविया। सद कहते हैं एक डैम को, और ये मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर का डैम बना हुआ है। इधर सहाबा किराम ने ये डैम बनाया था। आपको आज इस डैम की ज़ियारत करवाते हैं और ये सारा व्यू इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये सारा वो व्यू है। चलो ना, ये देखें, इधर पानी भी खड़ा है, चेक कर सकते हैं आप। और ये देखें, ये वो डैम की जगह सारी। थोड़ा जान जो ये मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये डैम बनवाया था, और उनके नाम पे ये मशहूर है, सद मीर माविया। सद जो के डैम को कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, पानी भी आज तो खड़ा, किस्मत के साथ। बहुत मुश्किल से पानी मिलता है यहाँ पे ना। तो लास्ट कुछ वीक से बारिशें हुई हैं मदीना में काफ़ी, माशाल्लाह। ये पानी भी काफ़ी खड़ा। ये मदीना से आई थिंक 50-60 किलोमीटर दूर है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अब हम ऊपर आ चुके हैं इसके, पहले बिल्कुल नीचे गए थे। अभी हम इसके टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, काफ़ी हाइट है इसकी, तकरीबन आई थिंक 100 फीट तो होगी। क्यों चौधरी? इधर जाए थे? हाँ हाँ, उधर। ये देख सकते हैं आप, से ये टॉप पे बिल्कुल आप, ये देखें काफ़ी गहराई है नीचे। और ये वो डैम का हिस्सा, ये दूसरी साइड है। ये देखें, उसका दूसरा हिस्सा ही है। ये दीवार थी, चेक करें। और ये डैम का दूसरा हिस्सा है, जो पहले दिखाया था वो इस साइड पे है, इन पहाड़ों के पीछे। ये वही नदी बह पा रहा है, देखें। और ये भी, ये दूसरा हिस्सा है उसका, पानी रोकने के लिए दूसरी साइड से